हेलो दोस्त। रेलवे एलपी सीबीटी 2 परीक्षा, जिसमें बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करेंगे, और इसमें पार्ट ए का है, क्लास नंबर 16 है, जिसका 15 का ऑलरेडी हो चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और इसमें हम बात करेंगे सिंपल मशीन की, जिसे हिंदी में सरल मशीन बोला जाता है। और सरल मशीन में तीन टाइप के बात करेंगे यहाँ पे, फ्रिक्शन जिसको घर्षण बोलते हैं, दूसरा पुली जिसको घिरनी बोलते हैं, और तीसरा आपका स्लोप जिसमें ढलान की बात होती है। तो यहाँ से एक आध प्रश्न आ जाया करता है सिंपल मशीन से, तो इसके बारे में यहाँ टॉपिक है। और यहाँ हम एमसीक्यू नहीं लेंगे, आपको टेक्निकली बताएंगे कि कैसे इसका ट्रिक्स करना है। रेल एवं मेट्रो रेल से संबंधित किसी भी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए रेलवे लाइफ एलपी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में शेयर करना मत भूलिए। तो यहाँ हम सबसे पहले फ्रिक्शन की बात करेंगे। तो घर्षण होता क्या है? तो घर्षण किसी वस्तु के सतह पे चलने पे जो बल का विरोध करता है, उसे घर्षण बोलते हैं। तो घर्षण के लिए अगर मान ले कि एक पृथ्वी है, सतह है, जो खुरदरा है, बिल्कुल प्लेन नहीं है, प्लेन कह सकते हैं, इसमें कुछ न कुछ अवरोध उत्पन्न करने की क्षमता होती है। और एक मास है M1, या M कह सकते हैं, कोई द्रव्यमान है, और ये आगे की तरफ बढ़ना चाहता है, जिसे इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे, गति करना चाहता है। लेकिन इसमें फोर्स लगने के विपरीत एक बल करता है, उसे बोलते हैं घर्षण बल, जिसे F द्वारा डिनोट करते हैं, और इस बल को बोलते हैं घर्षण बल। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या क्या टॉपिक आ गया। ये सतह है जिसको घर्षण गुणांक कहते हैं, जिस डायरेक्शन में वस्तु चलता है उससे गति कहते हैं, और जो वस्तु के अपोजिट लगता है उसे घर्षण बल लगता है। तो यही टॉपिक है फ्रिक्शन का। इसे हम अगर यहाँ सिंपल भाषा में कहना चाहें तो घर्षण गति का क्या करता है, विरोध करता है, हमेशा ये विपरीत दिशा में होता है, और ये पृथ्वी के सतह पे निर्भर करता है, यानी कह सकते हैं म्यू पे निर्भर करता है। ये वस्तु किस तरह का है, खुरदरा है या चिकना है, उस पे निर्भर करेगा। और इसके लिए भी एक कैलकुलेशन होता है कि म्यू को कैलकुलेशन हम कैसे करें, जिसे घर्षण गुणांक के नाम से जानते हैं, इसे घर्षण गुणांक। तो इसको आपको ज्ञात करने के लिए, घर्षण गुणांक को अगर म्यू पता करना है, तो म्यू का करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, घर्षण बल, यानी F पता होना चाहिए, डिवाइडेड बाई R पता होना चाहिए। वो R है अभिलंब, अभिलंब का प्रतिक्रिया, अभिलंब का प्रतिक्रिया इसके बारे में होता है। तो इसको अगर डायरेक्ट एक पिक्चर के द्वारा समझे, तो ये हमारा गति का डायरेक्शन है, ये वस्तु है, और इधर की तरफ हमारा क्या है, फोर्स है, और इसके पैरेलल जो लाइन 90 डिग्री पे लाइन जाएगी, ये नीचे की तरह एम जी है, और इसे बोलते हैं आर अभिलंब। तो यू बराबर म्यू बराबर कह सकते हैं डायरेक्ट इसी को, एफ बराबर एफ डिवाइडेड बाई आर होता है। और यहाँ पे दो प्रश्न आया करते हैं, जिसको आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले घर्षण गुणांक म्यू एक क्या है, मात्रा विहीन राशि है, इसकी यूनिट नहीं होती है, मात्रा विहीन क्या है, राशि है, जिसकी कोई यूनिट नहीं होती है, एक ध्यान दीजिएगा, और इसकी बीमा भी नहीं होती है, बीमा नहीं होती है, यानी डायमेंशन भी नहीं होता है। ये दोनों चीज़ याद रखिएगा। और एक और प्रश्न पूछ जाएगा कि घर्षण एक से ज़्यादा होता है, इसको हम एक बार सॉलिड में लिख दें, तो घर्षण गुणांक कितना होता है, घर्षण गुणांक की वैल्यू अगर पूछ दिया जाए, तो ये घर्षण गुणांक 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है, यानी 0 और 1 के बीच में कहीं भी होगा, और इसके सामने यूनिट नहीं लिखना है आपको, क्योंकि इसकी यूनिट नहीं होती है। तो ये तीन चार प्रश्न यहाँ से घर्षण गुणांक से आप सकते हैं, अगर बदल बदल के इसी को टॉपिक बदल के प्रश्न दिया जा सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे अगला टॉपिक, इसमें टाइप ऑफ घर्षण, घर्षण के कितने प्रकार होते हैं, सिंपल मशीन अगर यूज हो रहा है तो उसमें फ्रिक्शन के कितने टाइप के होते हैं। तो पहला है अस्थैतिक, जिसे फिक्स टाइप के घर्षण बोलते हैं, और इस टाइप के स्टेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। इसे अगर एक बार इंग्लिश में लिख दिया जाए तो स्टेटिक फ्रिक्शन, इस टाइप के फ्रिक्शन कहते हैं, और ये इसलिए होता है कि वस्तु कोई
रुका हुआ होता है, ये ध्यान दीजिएगा, ये भी बताना पड़ेगा आपको, कई बार ये प्रश्न आपको आ जाता है। दूसरा फ्रिक्शन होता है सीमांत, जिसे हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और एक कब होता है, जब वस्तु चलने के लिए तैयार होता है, ध्यान दीजिएगा, जब रुका हुआ वस्तु चलने के लिए तैयार होता है। और तीसरा होता है गतिज और सर्पी, दोनों टाइप के, सर्पिल घर्षण के आप नाम आपने सुना होगा, जिसे इंग्लिश में काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। और ये इस तरह से वस्तु पे होता है, जब वस्तु किसी पे फिसल रहा होता है, फिसलना मतलब सरकना भी कह सकते हैं, सरकना, जब ये इस टाइप के कोई सतह है उस पे फिसल रहा है, जैसे बर्फ पे कोई सतह पे फिसल रहा है, उस टाइप के गतिज कहते हैं, या कोई गाड़ी बहुत तेजी से चल रहा है उस डायरेक्शन में भी ये सर्पिल या काइनेटिक आता है। और लास्ट में आया आपका लोटनिंग, तो लोटनिंग में लुढ़कना बोलते हैं, लोटनिंग को पहले इंग्लिश में लिख दिया जाए, रोलिंग बोलते हैं, रोलिंग रोलिंग, और इसे कहते हैं लुढ़कना, लुढ़कना। तो लुढ़कना किस में होता है, बॉल बेयरिंग टाइप पे होता है। तो ये तीनों याद आपको रखना है, चारों याद रखना है, लेकिन सबसे बड़ी सवाल है कि इसमें सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन किस स्थिति में होगा, वो पूछ दिया जाएगा आपसे, तो वो आपको बताना है। तो सबसे पहले अगर फ्रिक्शन की बात करेंगे, तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन होता है आपका घर्षण गुणांक के टर्म में, तो सबसे ज़्यादा की पहले बात कर लेंगे, तो सबसे ज़्यादा होता है लिमिटिंग, जो सीमांत होता है, जो वस्तु चलने की स्थिति में होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है स्टैटिक, क्वांटिटी के टर्म में अगर कहें तो स्टैटिक्स। तीसरे नंबर पे आपका फ्रिक्शन आता है काइनेटिक, और चौथे नंबर पे आता है आपका रोलिंग। तो अगर एक प्रश्न पूछ दिया जाए कि सबसे कम घर्षण किस में होता है, किस टाइप के सतह में होगा, तो रोलिंग टाइप के सतह में होगा। और रोलिंग टाइप के सतह क्या होता है, बॉल बेयरिंग होता है, बॉल बेयरिंग से जितने भी बेयरिंग टाइप पे होते हैं उस टाइप के भी होते हैं। और पूछ दिया जाए कि अगर किसी मशीन में बेयरिंग क्यों लगाया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, घर्षण को कम करने के लिए, और घर्षण सबसे कम किस में होता है, रोलिंग टाइप के घर्षण के प्रकार में। तो इसी पे थोड़े से एक प्रश्न का डिस्कस कर लेते हैं, तीन प्रश्न का यहाँ पे है कि फ्रिक्शन के टाइप में ही है। पहला आपका है कि सड़क पर चलने वाली वाहन की अपेक्षा रेल आसानी से पटरी पे दौड़ती है, इसका कारण क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, ये किस टाइप का फ्रिक्शन है आपको बताना है, तो ये किस टाइप का फ्रिक्शन, इसे फ्रिक्शन की श्रेणी आप इसके क्या क्या दे सकते हैं। आप सारे में देखेंगे तो इसमें आपका काइनेटिक भी फ्रिक्शन हो सकता है, लिमिटिंग भी फ्रिक्शन हो सकता है। तो कह रहे हैं काइनेटिक की अगर हम इसे श्रेणी में रखें, तो काइनेटिक फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा किस पे होगा, सतह पे लगने के लिए, सड़क खुदरा होता है, और रेल की पटरी क्या होती है, सर्पिल होती है, बिल्कुल चिकना होती है, जिस पे सरकना आसान होता है, तो इसलिए ट्रेन आसानी से दौड़ जाती है। तो ये सतह टाइप के फ्रिक्शन है, और इस टाइप के फ्रिक्शन में जितना कम फ्रिक्शन रहेगा घर्षण कितना होगा, कम होगा। तो कह सकते हैं घर्षण रेशियो में उल्टा होता है, जितना चिकना होगा उतना आपका घर्षण कम होगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न यह कह रहा है, तेज चलने वाली वाहन की पहिया में बेयरिंग लगाया जाता है, तो ये कौन सा टाइप का फ्रिक्शन है आपको बताना है, रोलिंग टाइप का। रोलिंग टाइप के फ्रिक्शन की बात कर रहा है, और रोलिंग टाइप फ्रिक्शन में क्या होता है, घर्षण हमेशा कम होता है, तो बेयरिंग लगाने से क्या होगा, फ्रिक्शन यानी घर्षण की मात्रा को बहुत कम कर देगा, जिसके कारण से वो गाड़ी को चलने में या वाहन को चलने में आसानी होता है। और तीसरा कह रहा है कि बॉल बेयरिंग में ग्रीस लगाया जाता है, तो ग्रीस का सबसे पहले याद रखिएगा क्या है, स्नेहक के रूप में जानते हैं ग्रीस को, तो ग्रीस होता है, इसमें तेल आता है, ध्यान दीजिएगा, मोबिल ऑयल आता है, या और भी चिकना कोई भी पदार्थ होता है, और कई बार ग्रेफाइट भी आता है, ग्रेफाइट की श्रेणी जो कार्बन लीड में लगा होता है या पेंसिल में लगा होता है, उसकी श्रेणी भी इसी में आती है, बल स्नेहक की श्रेणी में। तो ग्रीस किस लिए लगाया जाता है, जो बॉल बेयरिंग में भी जो फ्रिक्शन होता है उससे भी और कम करने के लिए, यानी हम कह सकते हैं कि रोलिंग टाइप में
फ्रिक्शन सबसे कम होता है उसको भी और कम करने के लिए हम स्नेहक का यूज करते हैं। यहाँ फिर थोड़ी सी घर्षण के लाभ आने की बात अगर डिस्कस कर लें तो वो भी जरूरी है। तो घर्षण के लाभ से क्या होता है, हम आसानी से चल सकते हैं, किसी भी सतह पे चल सकते हैं। अगर नहीं रहता तो आप इस जहाँ आप खड़े हैं वहीं रुक जाते, यानी कह सकते हैं पृथ्वियों पर गाड़ी भी चल सकता है इसी की सहायता से। पृथ्वी पे गाड़ियों का चलने का क्रिया भी घर्षण के कारण ही होता है। अगर चिकना रहता तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना मुश्किल हो जाता। लेकिन इसकी हानि क्या है, अगर इसे बोले लाभ है तो इसकी हानि भी घर्षण की होती है। इसकी हानि सबसे कभी क्या है कि मशीन के पुर्जे खराब हो जाते हैं। अगर किसी में घर्षण हो रहा है जिसके कारण से वो साइड में कटते कटते या उसकी स्ट्रक्चर डैमेज हो जाती है, और कई सारी चीज़ों में जैसे हम हानि इसमें है कि अगर कोई चिकना वस्तु है, बर्फ है तो जिसमें बालू है, और कह सकते हैं कई जगह पानी है, पानी का फ्रिक्शन बहुत कम है, तो इन स्थानों में हमें चलने में दिक्कत होती है। तो ये हानि में आता है कि घर्षण है तो हम चल भी सकते हैं, नहीं है तो चलने में भी कठिनाई आती है, ये हानि के टर्म में रूप यूज करते हैं। तो यहाँ हमने चार पांच चीज़ें की बात कर लिया, फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन के प्रकार क्या है, इससे क्या क्या असर पड़ता है, उसके बाद कौन कौन से टाइप के फ्रिक्शन होते हैं, उसके बाद हमारा इसमें टॉपिक हमने बात कर लिया कि क्या क्या लॉस है, उसके बाद दूसरी टॉपिक हमारे पीस थी पुली, जिसे घिरनी बोलते हैं। घिरनी के टर्म में हम अगर बात करें तो घिरनी का सबसे पहले कंसेप्ट जान लेते हैं। घिरनी एक पुली होती है, बिल्कुल गोल सा संरचना होता है जिसपे रस्सी लटकाया जाता है, और रस्सी के द्वारा क्या लटकाते हैं, मास M1 M2 कुछ भी लटका सकते हैं, और एक से ज़्यादा पुली भी हो सकता है, मल्टीपल पुली भी हो सकता है, उसी के दर्शाया गया है यहाँ। और इसे इसमें रस्सी में जो टेंशन आता है उसे टी से बोलते हैं, और रस्सी पे जो फोर्स लगता है उसे एफ लगते हैं, और रस्सी में जो एक्सेलरेशन या त्वरण होता है उसे ए से डिनोट करते हैं। और ये तीनों निकालने के लिए कभी कभी प्रश्न में आ जाता है, जो इस वीडियो में हम थोड़ा सा क्लियर करेंगे। लेकिन इसमें पुली का है, पुली क्या होता है, फिक्स टाइप पुली, यानी रस्सी के द्वारा एक साइड ये पुली को क्या कर दिया गया है, फिक्स कर दिया गया है, उसमें रस्सी केवल घूम सकता है। इस टाइप के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, फिक्स पुली कहते हैं। दूसरे में मूवेबल कहते हैं, यानी आपकी रस्सी एक जगह फिक्स है, बेस कहीं फिक्स है आपका, लेकिन पुली सब जगह ऊपर नीचे या साइड में जाने के लिए स्वतंत्र है, उस टाइप के मूवेबल पुली बोलते हैं। और कंपाउंड पुली में दोनों फिक्स और मूवेबल का संरचना होता है, और फ्री बॉडी डायग्राम में पुली एकदम पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। और यहाँ पे ध्यान देने की चीज़ है कि पुली में क्या होता है, तो पुली में अगर एक से ज़्यादा पुली लगाएंगे तो मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ते जाता है, और हमेशा पुली का मैकेनिकल एडवांटेज एक से ज़्यादा होता है, ध्यान दीजिएगा, एक से ज़्यादा होता है। हमने सिंपल मशीन बात किया है पहले, तो सिंपल मशीन में एक से कम भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, और ये तीनों कंडीशन हो सकता था, लेकिन पुली में हमेशा मैकेनिकल एडवांटेज एक से ज़्यादा होता है। और नंबर ऑफ पुली, जितना ज़्यादा पुली लगाएंगे उतना एडवांटेज मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ते जाएगा। ये कंसेप्ट है, बेसिक सा कंसेप्ट है जिससे आपको याद रखना है, और इसको कहीं भी परीक्षा में भूलना नहीं है जब हम पढ़ेंगे। तो मशीनों में दूरी अधिक होती है वहाँ भी पुली यूज करते हैं, लेकिन हर जगह मैकेनिकल एडवांटेज हम बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। और इसमें पुली की संख्या 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, ये अलग अलग कंडीशन है। उसके बाद हम अगर इसमें हम फ्री बॉडी डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आता है, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम, तो फ्री बॉडी डायग्राम में हमें तीन चीज़ें का फॉर्मूला मिलता है, और तीनों के हम बारे में यहाँ नहीं डिस्कस करें तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम आप अगर देखना चाहते हैं तो इस तरह का एक संरचना है, इसे एक दीवार या किसी फिक्स आधार पर फिक्स कर दिया जाता है, इसमें एक सेंटर लगती है, बैरिंग भी लग सकती है, और इसके साथ एक पुली लगाया जाता है, और इस पुली पे एक रस्सी को चढ़ा दिया जाता है, ध्यान दीजिएगा। और इधर की तरफ भार को M1 बोल रहे हैं, इधर की तरफ जो लोड लगा हुआ है M2 बोलते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। और रस्सी में इधर की तरफ जो टेंशन है वो T1 बोलते हैं, इधर की तरफ बोलेंगे तो T2 बोलेंगे, इधर आपका एक्सेलरेशन है
और इधर एसिलेशन नीचे डायरेक्शन में है, यानी एम वन ज़्यादा होगा तो इधर की तरफ है, अगर एम टू इधर कर देंगे एम वन इधर कर देंगे तो डायरेक्शन इधर की तरफ हो जाएगा, ये इधर की तरफ हो जाएगा, यानी जिसका ज़्यादा मास रहेगा एम टू अगर एम वन से ज़्यादा है तो इस कंडीशन में ऐसा होगा, तो अगर एम वन ज़्यादा हो गया एम टू से तो ये डायरेक्शन कन्वर्ट हो जाएगा। तो डायरेक्शन से हमें मतलब नहीं है, हमें यहाँ न्यूमेरिकल कैलकुलेशन थोड़ी सी बॉडी डायग्राम से आ जाता है उसके लिए है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या कैलकुलेशन आता है, ए जिसे हम बोलते हैं त्वरण, जिसके बारे में हमने यहाँ ए की बात कर लिया, अगर इसे कैलकुलेशन करने के लिए आपको आ जाए तो यहाँ सबसे पहले लिखना है जो जिसका भार ज़्यादा है एम टू, अगर एम वन का रहेगा तो एम वन लिखेंगे माइनस एम वन डिवाइडेड में एम वन प्लस एम टू लिखना है, और पूरे को जी से मल्टीप्लाई कर देना है, और जी बराबर 9.8 होता है। ये एक फार्मूला है। दूसरी फार्मूला हमारे यहाँ पे आएगा आपका टेंशन का, जिसे टी से डिनोट करते हैं, टेंशन किस में रस्सी में आपको ज्ञात करना है, इसके लिए 2m1m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस एम टू और पूरे का जी। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये भी एक दूसरा फार्मूला है। और तीसरा एक फार्मूला और हमारे लिए यहाँ पे है, उसको भी हम यहाँ डिस्कस कर ले, फोर्स कितना लगता है एफ, तो एफ के बारे में भी आपको सपोर्टिंग पुली में फोर्स कितना लगेगा। तो यहाँ पे टू था, इसे करना है फोर, और एम वन एम टू डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू और ब्रैकेट में जी। तो ये तीनों है, 1, 2, 3 फॉर्मूला आप याद रखिएगा, इससे न्यूमेरिकल आ सकता है, और यही न्यूमेरिकल आपको डायरेक्ट दे दिया जाता है, मास दे दिया जाएगा और जी का मान आपको पता ही है, और कैलकुलेट करना होता है त्वरण टेंशन और फोर्स, यानी ताकत पुली पे कितनी लग रही है। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम का है, इसमें हम न्यूमेरिकल अगर करना चाहें तो हमारे पास यहाँ टेंशन के लिए दिया हुआ है, टेंशन इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को आप क्या बोलते हैं, रस्सी बोलते हैं, और ये ग्रीन कलर आपको दिखेगा नहीं, इसको हम रस्सी बोलते हैं, और रस्सी में टेंशन के लिए हमने फार्मूला याद कर लिया था, वो हम 2m1m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 और पूरे के ब्रैकेट में जी, तो ये आपको पता ही है। उसी तरह फोर्स के बारे में हमने कर लिया, फोर्स का तो यहाँ पे 2 के जगह पे केवल आपको 4 रखना है, बाकी सेम रहेगा। त्वरण के बारे में हमने जान लिया, तो इस पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ एक कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास न्यूमेरिकल है, दो भार 3 kg 2 kg एक रस्सी के दो सिरे पे बांधा है और एक घिरनी पे लटकाया गया है, तो मालूम आपको करना है त्वरण, रस्सी पे टेंशन और रस्सी पे फोर्स कितना, या रस्सी या पुली पे फोर्स कितनी लगेगी। तो इस टाइप के संरचना हमने जो बताया था, तो इस टाइप के संरचना में हमने जो लगाया था, इस रस्सी पे, इस पे हम रस्सी लटका दिए, इसे बोलते हैं हम एम टू, जिसकी अगर द्रव्यमान 3 kg है, जो बड़ा वाला को हम रखते हैं, दूसरे साइड है M1 जिसकी द्रव्यमान 2 kg है। अब यहाँ ज्ञात करने के लिए बोल रहा है A, T एंड F, तीनों को कैलकुलेट करना है, तो तीनों को हम सिंपल वे में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो A के लिए हमने जान लिया था M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 या M2 प्लस M1 करिए, कोई अंतर नहीं है, और ब्रैकेट में जी कर दीजिए। तो 2 में से 3 अगर घटाते हैं, 3 माइनस 2 और 3 प्लस 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1/5 और गुना में 9.8 किसके लिए, जी के लिए। अगर इसे करेंगे तो 10, ये लगभग 9.8 होता है, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 m/s² क्या है, त्वरण है। यानी यहाँ कह सकते हैं, इसी वस्तु को हम कह सकते हैं कि 3 kg वाला जो वस्तु है 2 kg वाले वस्तु को कितनी त्वरण से नीचे की ओर खींचेगा, 2 m/s के लिए। और इससे अगर पूछ दिया जाए तो इसकी त्वरण, तो 2 kg वाला रस्सी किधर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, 3 kg वाला रस्सी किधर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, और कितनी स्पीड से जाएगा, 2 m/s से, क्योंकि इस पे बाहरी फोर्स कोई लगी नहीं है, ड्राइविंग फोर्स क्या है, M1 और M2 है। ये कंसेप्ट है, कंसेप्ट अगर समझ लिए तो कोई भी कैलकुलेशन आएगा आप कैलकुलेशन इस पे कर लेंगे। उसके बाद दूसरा पूछ रहा है आपको T मालूम करने के लिए, T बराबर हमने क्या बोला था, 2m1m2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2
और ब्रैकेट में क्या था, बाद में जी था। तो यहाँ कैलकुलेट कर लीजिए, 2 × 3 × 2 × 9.8 डायरेक्ट मैं रख देता हूँ, डिवाइडेड बाई अगर करें इसे नीचे में अगर डिवाइड करेंगे तो डिवाइड में 3 जोड़ 2 5, तो 3 × 6 6 × 12 12 12.9.8 अगर इसे कर दें तो पूरी कैलकुलेशन अगर करेंगे, और ये 3 जोड़ 5 तो टोटल कैलकुलेशन करके लाएंगे तो टाइम लगेगा, तो ये 23.52 आएगा, और ये किस में आएगा, न्यूटन में। फोर्स की यूनिट क्या है, टेंशन की यूनिट न्यूटन है, तो इसे कह सकते हैं या तो 23.52 का दीजिए या 24 न्यूटन कर सकते हैं, जो कह सकते हैं ये आपका आंसर है। उसके बाद हमारे पास एक और प्रश्न बच गया है जिसको हम कैलकुलेट कर लेंगे फोर्स से। तो यहाँ पे हम एफ के बारे में कैलकुलेशन करना चाहते थे, तो एफ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4m1m2 / m1 + m2 और पूरी के हेल में होल स्क्वायर में आपको जी देना है। तो 4 × 3 × 2 और जी को मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 9.8 / 5, 3 जोड़ 2 जोड़ 5 बराबर 5, और इसे अगर लिखना चाहेंगे तो 4 × 3 = 12 × 24 × 9.8 आ जाएगा 235.2/5, और अगर इसे लिखना चाहें 47.04 न्यूटन। तो देख सकते हैं ये इस टाइप से, अगर अगर आपको प्रश्न मिले फ्री बॉडी डायग्राम या पुली से रिलेटेड, तो ये तीनों चीज़ के बारे में आप अवेयर रहिएगा, हो सकता है तो बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न आएगा जिसको आप करने के लिए तैयार रहें। उसके बाद हमारे पास था स्लोप, स्लोप को हम क्या बोलते हैं, ढलान। तो ढलान के बारे में यहाँ सबसे ज़्यादा ये कहाँ यूज होता है, जिसे रैंप होता है, कोई गाड़ी की लोडिंग अनलोडिंग करनी होती है, तो ढलान के बारे में हम सीधे सीधा पढ़ें तो एक ट्रिंगल हमें पढ़ना है, त्रिभुज पढ़ना है। त्रिभुज में कुछ इस टाइप के संरचना है जो राइट एंगल त्रिभुज कहते हैं, उस टाइप से है, इसे बोलते हैं राइज, कितना ऊंचाई है राइज है। इसे बोलते हैं रन, जिसे एच से डिनोट करते हैं, इसे वी से डिनोट करते हैं, और इसे बोलते हैं स्लेंट लेंथ बोल सकते हैं या स्लोप लेंथ बोल सकते हैं, और एल से डिनोट इसे करते हैं। तो यह एल से हम डिनोट इसे कर दिए एल। तो इसमें आपको कैलकुलेशन करना है, ये थीटा के मान से भी कैलकुलेट करना होता है सारा स्लोप का। तो सबसे पहले ये थीटा आपको ज्ञात करना होता है, या थीटा दिया हुआ होता है, और राइज या रन या स्लोप तीनों में से कोई एक कैलकुलेटेड करने के लिए आपको दे दिया जाए। तो हम इसकी जब तक फार्मूला हमें नहीं पता होगा तो ढलान पे हम कैसे इंक्लाइन प्लेन पे यांत्रिक लाभ वगैरह कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए फार्मूला है आपके पास, थीटा इक्वल टू टैन इनवर्स राइज डिवाइडेड बाई राइज, राइज मतलब चढ़ाई डिवाइडेड यानी बी कह सकते हैं, डिवाइडेड बाई रन अगर हम कह सकते हैं इसी टर्म को, तो ये हमारा टर्म निकल गया। अब इसमें पूछेगा कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, तो मैकेनिकल एडवांटेज को यांत्रिक लाभ बोलते हैं, सब लोग को पता है, हिंदी वाले बहुत दुखी हो जाते हैं हिंदी टर्म नहीं यूज करते हैं। तो यांत्रिक लाभ की बात है, मैकेनिकल एडवांटेज की बात करेंगे, तो मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या होता है यहाँ पे, एफ डब्ल्यू बाई एफ आई। तो एफ डब्ल्यू क्या है आपको बताना है, वस्तु का भार, कितना वस्तु का आपको ऊपर की तरफ इस स्लोप पे चढ़ाना है या ऊपर से नीचे की तरफ लाना है, दोनों डायरेक्शन होता है। और एफ आई है वस्तु पे आरोपित बल, कितना बल आप लगा रहे हैं, इस पे बल कितना लगाएंगे, इस पे गाड़ी अगर कोई चढ़ानी है या गाड़ी उतारनी है, तो इसको मैकेनिकल एडवांटेज के टर्म में जानते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे टर्म था थीटा, स्लोप कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है, तो ये होता है इसके बराबर, अगर दूसरे टर्म में कहें तो 1/sin θ होता है, क्या होता है, साइन थीटा। और साइन थीटा को आप जानते ही है क्या है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ये थीटा बराबर राइज डिवाइडेड बाय लेंथ, तो इसे कह सकते हैं साइन थीटा क्या है, राइज बटा लेंथ। तो राइज बटा लेंथ को अगर यहां रखेंगे तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा, लेंथ, इसको एक बार इसको कट कर देते हैं, तो हम ये अगर ये करने चाहें मैकेनिकल एडवांटेज बराबर हम कह रहे हैं एफ डब्ल्यू बाई एफ आई, जल्दी जल्दी 1/sin θ, और साइन थीटा बराबर हम कह रहे हैं कि हमारा राइज, साइन थीटा बराबर क्या है, राइज बटा लेंथ।
और इसे अब ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या है, लेंथ डिवाइडेड बाय राइज। तो ये मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, लेंथ आप जानते हैं त्रिभुज के हमने पढ़ रखा है, पहले भी त्रिभुज कई सारे पढ़ रखा है, ये कर्ण हमेशा क्या होता है ज़्यादा होता है लंब और हाइट से, तो कर्ण ज़्यादा है और आपकी राइज कम है तो क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज एक से ज़्यादा होगा हमेशा। ये प्रूफ हो रहा है या नहीं हो रहा है आप बता सकते हैं, तो ये आपको पूछ दिया जाएगा इस टाइप के समीकरण, इससे रिलेटेड प्रश्न। और थोड़ी सी और यहाँ एक प्रश्न आती है टर्म के टर्म में, जिसमें हमें कॉस थीटा साइन थीटा और इसमें फाई का एक मैकेनिकल एडवांटेज हो जाता है, तो इसके एक फार्मूला होती है जो हम डायरेक्ट फार्मूला लिख रहे हैं, मैकेनिकल एडवांटेज बराबर एफ डब्लू बाई ए फाई, टर्म हमारा चेंज होने वाला नहीं है, कॉस थीटा कॉस फाई है, देखिएगा थीटा नहीं फाई, डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस माइनस नहीं सॉरी प्लस यहाँ पे फाई। अब ये ध्यान दीजिएगा सारा कंसेप्ट यही पे है, जहाँ पे हमारा फाई क्या है टैन इनवर्स म्यू है, और म्यू क्या था आपका घर्षण गुणांक, क्या था घर्षण गुणांक, और घर्षण गुणांक को हमने क्या लिखा था एफ डिवाइडेड बाई आर। तो ये घर्षण के सतह पे भी डिपेंड करेगा, कैसा वस्तु है कैसा है उस टाइप पे भी आपको मैकेनिकल एडवांटेज करेगा, यानी मैकेनिकल एडवांटेज किसके किस पे डिपेंड करेगा, एक तो स्लोप पे, स्लोप कितनी है उस पे डिपेंड करेगा, स्लोप की एंगल क्या है उस पे डिपेंड करेगा, और तीसरा स्लोप किस टाइप का मटेरियल है। तो देखते हैं अभी कभी गाड़ियों पे लोडिंग करने के लिए गाड़ी नीचे से ज़मीन से पटरे रखे रहते हैं, वो चिकना होता है जिसमें क्या होता है स्लोप ज़्यादा होता है और फ्रिक्शन कम होता है, जिससे चढ़ना बहुत आसान हो जाती है। लेकिन यहाँ पे थीटा थीटा और फाई के बारे में हम बात कर लेते हैं, थोड़ी सी एकदम बिल्कुल शॉर्ट वे में, बहुत लोग कहेंगे बहुत डिटेल हो गया, तो यहाँ है हमारा थीटा और फाई क्या है इसकी घर्षण गुणांक, जिसे म्यू के टर्म में हम डायरेक्ट लिखते हैं, और इसे टेन इनवर्स फाई हम कह रहे हैं, टेन इनवर्स फाई कह रहे हैं। तो दोनों में क्या रिलेशन है, तो ध्यान दीजिएगा थीटा से ज़्यादा क्या होगा फाई, ध्यान दीजिएगा, तो नेगेटिव में क्या होगा मैकेनिकल एडवांटेज किस में होगा, नेगेटिव में होगा, याद रखिएगा बिल्कुल ये कंसेप्ट याद रखना है। अगर हमारा जो घर्षण गुणांक है वो ज़्यादा है किसके एंगल से, तो मैकेनिकल एडवांटेज एक से ज़्यादा होगा लेकिन नेगेटिव में होगा। दूसरा टर्म थीटा बराबर फाई है, दोनों बराबर है, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा इन्फिनिटी होगा, अनंत होगा मैकेनिकल एडवांटेज, ये भी आपको याद रखना है, एक टर्म दो टर्म, और कह सकते हैं कि थीटा अगर ज़्यादा है फाई से तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव एक दो से ज़्यादा कुछ भी होगा। तो हमेशा ज़्यादा यूज करते हैं चढ़ाई पे हम मैकेनिकल एडवांटेज, थीटा का एंगल को एडजस्ट करके फाई को कम कर दिया जाता है, फाई को हम क्या करते हैं, हमने बताया कि चिकनी सतह लगाते हैं किसी वस्तु में, तो उस समय क्या करेंगे हम फाई को कम करते हैं और थीटा को भी एडजस्ट करते हैं ज़्यादा या कम करते हैं, जिससे थीटा हमारा ज़्यादा हो जाए वैल्यू और फाई की वैल्यू कम हो जाए, तो जिससे इस पे राइज करना आसान हो जाए। तो ये है आपका स्लोप, स्लोप के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, उसके बाद हमने फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में डिस्कस कर लिया जो महत्वपूर्ण थे, और उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक था पुली के बारे में बताया, फ्रिक्शन के बारे में बताया, तो मैकेनिकल एडवांटेज और जिसको फील कह सकते हैं सिंबल मशीन में फ्रिक्शन पुली और स्लोप से, बस इतना ही इस एग्ज़ाम के लिए एलपी CBT 2 के लिए। अगर और डिटेल में चाहते हैं तो आपको डिप्लोमा डिग्री में और डिटेल में बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है, तो यहाँ कंसेप्ट आपको इतना ही रखना है। थैंक यू, धन्यवाद।